जो था जो जो लेवल था बल्कि उससे भी हाँ 2021 में हमने तकरीबन 2000 हमने अचीव किया था और उसके बाद आज हम 2500 हमने का लेवल हमने क्रॉस कर लिया और ये 2500 का लेवल अभी भी हम अभी हम जून का महीना हमारे पास है और हमें उम्मीद है कि 200-300 और इसमें ऐड हो जाएगा। तो हम टारगेट जो है वो 2800 का कर रहे हैं, जिस आपको इन्फॉर्मेशन आपको बता दें बता रहा हूँ और हम ये जांच पे पूरी तरह कर रहे हैं 2800 का टारगेट के जितना हम ज़्यादा इस साल करेंगे अगले साल का टारगेट आप उससे भी ज़्यादा करेंगे। तो हम फिर भी जो है 2500 में रुके नहीं, हम आगे प्रोसीड करते जा रहे हैं। अच्छा, ये हमने कैसे किया? तो इसमें जो मेन जो जो मार्केट हमने एक्सप्लोर किया, एक आप लोगों को पता ही है कि हमारा एक्को के साथ जो हमारा मैसी फर्गसन का जो जो है ग्रुप है उसके साथ हमारी 2015 से हमारी कोलैबोरेशन चल रही थी और वहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो सिलसिला थोड़ा सा पिछले सालों में रुक गया था लेकिन वो हमने माशाल्लाह से इस साल जो है वो हमारी मीटिंग्स भी हुई एक्को के साथ, हमने उनके साथ एक हाई लेवल मीटिंग की और उसके अलावा एक्को के नुमाइंदे जो थे वो यहाँ पर आए पाकिस्तान में और एक मीटिंग हमारे साथ थी, मोजम्बिक से एक ग्रुप आया और उन्होंने आके हमारा प्लांट विजिट किया और उसके बाद जो है वहाँ पे भी एक ऑर्डर जो है वो वहाँ से निकल कर आया। तो हमारी जो कोलैबोरेशन जो जो मैसी फर्गसन के साथ है वो बेहतर हुई है और उसकी वजह से उम्मीद है कि अगले आधा कुछ सालों में भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी ट्रैक्टर में। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम जिबूती के लिए हमारे पास एक ऑर्डर आ रहा है तो कुछ नई मार्केट्स हमारे लिए थोड़ी बहुत खुल रही हैं अफ्रीका के ममालिक में। इसके अलावा जो मेन जो हमारी जो सेल हुई है वो अफगानिस्तान में हुई है। अफगानिस्तान की टेरिटरी, अफगानिस्तान का जो एरिया है वो एक्को ने हमें दे दिया है, बाकी जो एरिया है दुनिया के वो वहाँ पे एक्को के थ्रू हम सेल करते हैं इसलिए कि वो एक एक्को के डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पे मौजूद होते हैं तो उनके थ्रू हम हमारी सेल सारी चलती है। लेकिन अफगानिस्तान एक ऐसा टेरिटरी है जिसको उन्होंने हमें मुकम्मल तौर पे हमारे हमें रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया है उसका। तो जब से ये हुआ तो हम हमारी टीम ने बहुत मेहनत की, हमारी टीम के कुछ लोग अफगानिस्तान गए वहाँ पे विजिट किया और ये पिछले 2 साल से ये सिलसिला चल रहा है और उसके बाद फिर हमने वहाँ पे डीलर भी असाइन किए और उधर हमने उनकी उनको ट्रेनिंग दी, उनके टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग दी इसलिए कि जाहिर है कि टेक्नीशियंस जब तक ट्रेंड नहीं होंगे तब तक ये सिलसिला चलता नहीं रह सकता, इसलिए कि जो नया प्रोडक्ट आ रहा है वहाँ की सर्विस जो है वो भी हमारी जिम्मेदारी है तो उनको सर्विस की ट्रेनिंग दी और उसके साथ साथ हमने उनको स्पेयर पार्ट्स इसको बनाना है। तो ये सारा कुछ करके तो तकरीबन 2400 ट्रैक्टर हम अफगानिस्तान के अब तक जो है वो सेल कर चुके हैं और बाकी जो है वो एक्को में तकरीबन 150 के करीब जो है वो हम एक्को में के थ्रू हम सेल कर चुके हैं जो कि हमारा रेगुलर एक जो सिलसिला चल रहा है वो चल रहा है। और इसकी जो अमाउंट अगर हम देखें कि इसका कितना ज़र मुबादला हमने किया तो वह तकरीबन $18 million जो कि तकरीबन 5 अरब रुपया आता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है वो हमने इसमें जो है वो अचीव किया है। और उसमें सिर्फ ट्रैक्टर नहीं है बल्कि जो स्पेयर पार्ट्स और इंजन जो हम सेल कर रहे हैं वो भी तकरीबन $500,000 वो भी है उसमें शामिल है। तो अब जो है वो ये सिलसिला चल पड़ा है, उम्मीद है कि ये चलता रहेगा। दूसरा एक और चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था वो ये था कि पहले हम एक्सपोर्ट कर रहे थे खासतौर पर अफगानिस्तान में हम कर रहे थे तो वो हमारा मार्जिन ऑलमोस्ट जीरो था इसलिए कि हमें सेल्स टैक्स का रिफंड गवर्नमेंट से जो है वो मिल नहीं रहा जो कि हमें मिलना चाहिए था। हमने काफ़ी बल्कि हमने केसेस भी FTR के अंदर डाले हुए हैं तो वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ से इतनी हमें सपोर्ट नहीं मिल रही थी तो मार्जिन हमारा नहीं था। लेकिन इस दफ़ा जो सेल हुए हैं उस पर हमारा मार्जिन अच्छा है इसलिए कि हमने गवर्नमेंट की एक स्कीम है EFS स्कीम उस पर हम रजिस्टर हो गए और उसकी वजह से हमें जो है वो थोड़ा बेनिफिट मिल गया। तो ये सिर्फ हम एक्सपोर्ट कर नहीं रहे बल्कि हमें जो है वो ज़ीरो प्रॉफिट पे हम नहीं कर रहे बल्कि इसमें हमें प्रॉफिट भी मिल रहा है तो ये भी एक एडवांटेज हमें इस्तेमाल हुआ है। तो ये सिलसिला चल रहा है जैसे मैंने कहा कि ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। हम अपना काम कर रहे हैं अफगानिस्तान के डीलर्स के साथ, हम उनको मजीद हम ट्रेनिंग भी उनकी कर रहे हैं, उनको यहाँ पर बुलाया भी था हमने, उनको हमारी टीम भी वहाँ पे जा रही है विजिट कर रही है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा और उम्मीद है कि अगले साल का टारगेट हम जो है 3000 का टारगेट लेके हम चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम इसको सरपास करेंगे। तो इसके लिए जो है मैं आखिर में फिर अपनी टीम जो मिलत की टीम है जिसने इतनी मेहनत से ये काम किया और सारा मार्केट
शुक्रिया किया उसका, मैं मशहूर हूँ कि उन्होंने ये काम किया, उसकी वजह से टारगेट अचीव हुआ। और मैं इनको यही कहूँगा कि जिस तरह लास्ट ईयर आपने किया, इसी तरह इस साल भी आप करते रहें, अगले साल भी करते रहें, ताकि हम 3000 और उससे भी ज़्यादा लेवल पर हम जा सकें। शुक्रिया।